हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पालड़ी जोड़ से खंडरा दर्शनाथ पैदल संघ रवाना, बाबा से क्षेत्र में खुशहाली की जाएगी कामना। पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा, सरपंच महेंद्र वेवाड़ा व करण सिंह चानो समेत ग्रामीणों ने संघ को किया रवाना। उखंड के सुमेरपुर पालड़ी जोड़ गांव स्थित श्री रामदेव जी मंदिर से सोमवार सवेरे खंडरा रामदेव जी दर्शनाथ पैदल संघ रवाना हुआ है। संघ को साधु संतों के सानिध्य में जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा, सरपंच महेंद्र सिंह मेवाड़ा, पूर्व सरपंच सुरेश खंडलवाल व हंसाराम गर्ग ने गांव के प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में ढोल धमाकों के साथ रवाना किया। इससे पहले पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा परिवार की ओर से रामदेव जी मंदिर शिखर पर ढोल धमाके के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। हरिशंकर मेवाड़ा ने बताया कि करीब 80 साल पहले उनके दादाजी द्वारा चढ़ाई गई थी ध्वजा, जिसके बाद से उनके परिवार द्वारा हर वर्ष यहां पर ध्वजा चढ़ाई जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव चोटा स्थित मंदिर से आदिवाल परिवार की ओर से भक्त कैलाश कुमार आदिवाल के सानिध्य में संघ रवाना हुआ है। सवेरे 9 बजे मंदिर परिसर में पैदल यात्री एकत्रित हुए, जहां रामदेव जी भगवान की पूजा अर्चना कर संघ रवाना किया गया। संघ रवानगी से पूर्व महिलाओं युवतियों ने ढोल डीजे की धुन पर जमकर नाच किया। आदिवाल परिवार की ओर से सभी साधु संतों व अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ये संघ धनापुरा गांव से बिरारामपुरा होते हुए दोपहर 3 बजे खंडरा रामदेव जी मंदिर पहुंचा, जहां आदिवाल परिवार की ओर से रामदेव जी भगवान की पूजा अर्चना की गई। रामदेव जी को चूरमे का भोग लगाया। इसके बाद प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी पैदल यात्रियों ने लुत्फ उठाया। शाम 5 बजे संघ का विसर्जन किया गया। भक्त कैलाश आदिवाल ने बताया कि क्षेत्र में खुशहाली की कामना को लेकर हर वर्ष संघ खंडरा रामदेव जी दर्शनार्थ जाता है, जो कि उनकी 8वीं यात्रा है। उनके पूर्वज के समय से संघ हर वर्ष खंडरा जा रहा है। संघ को रवाना करते समय चंपालाल सोनी, रवि मेवाड़ा, मनीष खंडेलवाल, उमाराम भगवान राम, मोहन लाल मीणा, चन्नू कुमार, सुनील आदिवाल, विशाल कांतिलाल, नरेश आदिवाल, प्रवीण आदिवाल, राकेश दिल्लू, मनोज आदि मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से शंभुलाल परमार की रिपोर्ट।